हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 120 ट्वेंटी ठीक है इट मीन सो हमें यहाँ पे बोला गया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो 120 होता है इसका क्या मतलब हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है देखो हमारा जो ग्लोमेरुलस है उससे ब्लड फिल्टर होके किडनी तक पहुंचता है उसको या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा किडनी दोनों किडनीज जो है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म करती है एक मिनट के अंदर उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ठीक है तो दोनों किडनीज मिलके एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म कर रही है उसको हम क्या बोल देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कि एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 125 ml होता है पर मिनट ठीक है दैट इज अगर हम पर डे के हिसाब से देखें तो 180 एटी लीटर्स हो गया फिल्ट्रेशन so, रेट के लिए हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज़ किडनीज आ गया मतलब कि दोनों किडनी की बात हो रही है ठीक है किडनीज पर मिनट पर मिनट तो ये क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू जी एफ आर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कि अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली होता है 120 पर मिनट विच अगेन मीन्स वन एटी लीटर पर डे ठीक है सो so, ऑप्शन देखते हैं ए गिवेन है वन ट्वेंटी एम एल ऑफ यूरीन इज प्रोड्यूस्ड इन वन मिनट सो यूरिन नहीं प्रोड्यूज होता है फिल्टरेट फॉर्म हो रहा है फिल्टरेट इज नॉट यूरिन ठीक है सो बी गिवेन है

एक नेफ्रॉन नहीं फॉर्म कर रहा है ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा वन ट्वेंटी फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड पर मिनट बाय वन किडनी वन किडनी भी इनकरेक्ट हो जाएगा वन ट्वेंटी फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूस्ड पर मिनट बाय बोथ किडनीज जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन डी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको इलेवेंथ की न्यू एन में पेज नंबर 209 पे मिलेगी आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है